गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत एक बार करते हैं फिर से अपने नए वीडियो में। और हम लोग रामेश्वर से निकल गए हैं, अब चल रहे मीठा पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी खराब, पानी पीते पीते हालत हो गई है दोस्तों की खराब, तो चल रहे मीठा पानी पीने। अंधेरे में सब लोग सो रहे हैं। तो गाइस चलो, चैनल नए बने चैनल सब्सक्राइब जैसे प्यार। और रामेश्वर से हम लोग निकलने के चल रहे हैं मदुराई मीनाक्षी टेम्पल दर्शन करने के लिए। भाई साहब, यहाँ पे जिसकी भी शादी होती है या बर्थडे होता है सबका ऐसा फ़ोटो बन जाता है। भाई साहब को देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे सबका फ़ोटो बन जाता है। इधर भी देखो बन गया है, इधर भी देखो यह है। तो इस सब टाइप का इससे फ़ोटो फ्रेम बना के यूज मतलब लगा देते हैं रोड पे, चाहे वो आदमी डेट हो गया हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी माहौल हो। और सुबह का टाइम रामेश्वर में देख सकते हैं कितना भीड़ है, क्योंकि सुबह 5 से 6 मणि दर्शन भी होती है रामेश्वर में। और मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लाइन लगाने का मौका ही नहीं मिला। तो एक बार बोलिए श्री शिवाय नमस्ते। तो ये मंदिर सामने रामेश्वर की आप लोग को दिख रही है। जय श्री राम। तो सुबह का टाइम हो गया है और हम पहुंच गए ओशियन पैराडाइज बीच रिसोर्ट सी फूड रेस्टोरेंट। तो गाइज, जब भगवान राम लंका से लौट रहे थे तो माता सीता को प्यास लग गई थी, बताने वाले यहाँ के बता रहे हैं। तो राम भगवान ने अपना धनुष बाण चलाया था, एक बाढ़ अपना निकाला और उस बाढ़ से मीठा पानी को प्रकट किया और वही उस जगह हम आ गए हैं। सामने ये मीठा पानी का कुआं है ये, और चारों तरफ आप लोग को दिख रहा होगा समुद्र ही समुद्र। तो हम लोग रामेश्वर से दर्शन करने के बाद सुबह के टाइम से निकल गए हैं और अब निकल रहे हैं हम लोग मदुराई मीनाक्षी टेम्पल और दर्शन करेंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो ये है वो मीठा कुआं जहाँ से ये पानी मीठा मीठा आता है, लेकिन यहाँ पे वो पानी पिलाने वाले नहीं है। पानी ये ना ये बहुत कम पानी भैया, मीठा पानी कम पानी। तो यही वो कुआं है जहाँ भगवान राम ने अपने धनुष से इस मीठे पानी को प्रकट किया था, एकदम समुद्र के ही किनारे ये भी है। और सामने सूर्य उदय हो चुके हैं आज। भाई साहब गए ये बाल्टी और रस्सी लेके आए हैं, मीठा पानी निकाल रहे हैं यहाँ से। तो भैया मीठा पानी पी लेते हैं हम लोग। चप्पल नॉट अलाउड भाई साहब, नॉट अलाउड पाया। अब लेके थोड़ा थोड़ा चबे करी बतलिए ना लेते हैं। आ गया मीठा पानी, हल्का हल्का पी लो भैया, हल्का का एक गिलास पियो। ये जबिए जा, प्यास लग रहा है। इधर आओ इधर आओ। कैसा है पीने लायक है? बस इतना समझ लीजिए, खारा एकदम नहीं बना। नहीं ठीक है, मीठा है। समुद्र के पानी से तो सही है, समुद्र पानी से बहुत सही है। समुद्र पानी तो खारा एकदम नहीं है। तो ये रहा मीठा पानी और पीने लायक। हाँ, समुद्र का पानी जो एकदम खारा होता है, पी सकते हैं, ठंडा करके पी सकते हैं, दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो फाइनली मीठा पानी हम लोग पी लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमने कवर कर लिया और शूट भी कर लिया। मौसम सुबह का टाइम है और सुबह आज मैंने नहा धो के माथे पे साउथ जैसा तिलक लगा लिया है। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से मदुराई के लिए मीनाक्षी टेम्पल, वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद निकलेंगे तुरंत कोयम्बटूर ऊटी, कोयम्बटूर भी जाएंगे ऊटी भी जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्लान बनता है हम लोग के, टाइम भी होना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ से कोयम्बटूर करीब 300 किलोमीटर का दूरी पे है, तो वहाँ पे चलना है। वहाँ पे आदि योगी ईशा मंदिर नाइट शो देखेंगे वहाँ पे हम लोग। और ये जो मीठा पानी जामे था ये आप लोग को रामेश्वर धाम से 1 किलोमीटर पहले ही पम्बम ब्रिज के आगे 1 किलोमीटर देखेंगे तो बुलुंडी करके ये जगह का नाम है, यहाँ पे मीठा पानी आपको हो जाए प्राप्त हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ बुलुंडी तीर्थम। तो चलो दोस्तों चलते हैं हम लोग यहाँ से, और मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। काफ़ी अच्छा सीन है, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने मिल रहा है, सामने पूरे समुद्र ही समुद्र है। अच्छा
तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे चाय पी रहे हम लोग। चलो भैया, तो फाइनली हम लोग मदुराई पहुंच चुके हैं और रामेश्वर से मदुराई दूरी 180 किलोमीटर। तो हम लोग निकले थे सुबह के 6 बजे, 180 किलोमीटर का यह सफ़र करके 9:25 पर पहुंच चुके हैं मदुराई। मदुराई में मीनाक्षी टेंपल हम लोग दर्शन करते हैं और हमारे साथी लोग आगे भी चल रहे हैं, और भी प्लेस यहाँ पे हैं। पहले मदुराई में माता मीनाक्षी देवी का दर्शन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। हाय, थैंक यू। बहुत ही लंबा सफ़र है और ये सफ़र हम लोग सोचे थे 15 दिन का टूर बना के आए थे, लेकिन हमारा जो पैकेज हिसाब से टाइम भी बच गया, पैसा तो लग गया लेकिन टाइम बच गया। तो ये जो रूट था, जो हम लोग का सफ़र था, जो ट्रिप था, अब वो 15 दिन से कट करके 10 दिन का हो गया। तो यहाँ पे देख सब लगी हुई है, करवाती वगैरह सब बिक रहे हैं। नारियल पानी थोड़ा सस्ता, 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये तक का भी नारियल पानी यहाँ पे मिल रहा है। बैक कैमरा के थोड़ा सा आप लोग को यहाँ का व्यू दिखाते हैं, कल लोकेशन दिखाते हैं। तो ये मीनाक्षी टेम्पल जाने का रास्ता है और ये ईस्ट द्वार यानी पूर्वी द्वार है, और मंदिर का थोड़ा सा डेंटी पेंटिंग चल रहा है क्योंकि मंदिर थोड़ा पुराना हो गया है। मीनाक्षी टेम्पल द्वार, और जो द्वार आप लोग को दिखाया है, जो पेंटिंग हो रहा है वो पहले का था, अब ये थोड़ा सा बैक साइड से बना दिए हैं। तो यहाँ से एंट्री हम लोग लेंगे, पहले जूता चप्पल लगा देते हैं स्टैंड में। मार्केट भी काफ़ी अच्छी है और ये हाई फाई सिटी है भाई, मदुराई सेंटर में है। मदुराई से आप कहीं भी जा सकते हो, चेन्नई जाओ, कोच्चि जाओ, रामेश्वरम जाओ, कन्याकुमारी जाओ, चारों तरफ से आप जा सकते हो मदुराई से, क्योंकि मदुराई बीच में है, सेंट्रल में है। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको हर जगह से ट्रेन, बस, एसी बस, हर चीज़ उपलब्ध है। और ये रहा मदुराई का मार्केट मंदिर के पास, काफ़ी रश है, इतनी भीड़ काफ़ी है, दर्शन कितने टाइम में हो जाता है ये देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग माला फूल चप्पल सैंडल वगैरह उतारते हैं, बाहर ही उतार देते हैं स्लीपर। मोबाइल अलाउड। तो यहाँ पे फ्री चप्पल स्टैंड और मोबाइल लॉकर है, क्योंकि मोबाइल अंदर नहीं जा पाएगा, मोबाइल जमा कर देते हैं यहाँ पे हम। तो मीनाक्षी टेम्पल माता रानी का दर्शन हो गया और यहाँ पे हमने प्रसाद भी ले लिया है, लड्डू है, और लड्डू 1 पीस 10 रुपये का, जलेबी 10 रुपये का, और ये ठुकवा 10 रुपये का। प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं, कारण बैठते हैं, अब निकलते हैं हम लोग कोयम्बटूर। मदुराई से कोयम्बटूर की दूरी 300 किलोमीटर डिफरेंट डिस्टेंस पे, और वहाँ पे पहुँचते हैं आदि योगी ईशा मंदिर में, घूमते हैं और नाइट शो देखते हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। बने रहिए ब्लॉग में। खाओ तो मसाला डोसा ना खाओ, वड़ा बड़ा ना खाओ कि इडली ना खाओ, सब खाना चाहिए भैया। तो भैया यहाँ बना रहे हैं मसाला डोसा, हमारे मित्र लोग को लग गई भूख बहुत जोरों से और कहते हैं कि मसाला डोसा खाएंगे, तो हमने कहा चलो बनवाते हैं मसाला डोसा। तो भैया के हाथों का मसाला डोसा बहुत ही प्रसिद्ध है, गरम खिलाइएगा आंटी। चलिए ओड़ा और इडली हम खाते हैं, ये लोग डोसा खाएंगे, हम इडली और वड़ा खाएंगे। ओके, गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं आदि योगी, सामने आप लोग दिख रहे होंगे बाबा भोलेनाथ भगवान शिव, क्योंकि ये स्टैचू आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये सपना था यहाँ आने का, और सपना भी हम लोग का पूरा हो गया, कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ पहुँचेंगे हम लोग। चलो, भगवान का बुलावा रहता है तभी पहुँच पाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कोयम्बटूर आदि योगी ईशा योगा टेम्पल। तो नहीं, नाइट शो होगा अभी, नाइट शो होगा, वो चीज़ें आपको ब्लॉग में दिखाएंगे हम। और यहाँ पहुँच चुके हैं भाई साहब, मज़ा आ रहा है। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग निकलेंगे ऊटी के लिए, और वहाँ चलेंगे वो छोटा छोटा वाला ट्रेन, टॉय ट्रेन में मज़ा लेंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय ना टॉय ट्रेन। उसके बाद
और भी खतरनाक वाला ब्लॉग आएगा, लेकिन आप लोग प्यार नहीं दे रहे हो। मौसम खतरनाक वाला है भाई साहब। नहीं नहीं इसको मत खोल भाई, सब डर जाएंगे, तुम्हारा सिक्स पैक देख के सब डर जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं कपड़ा चेंज करके, फिर आप लोग से मिलते हैं।